आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। भीष्म गीता का प्रवचन कर रहे थे तो द्रौपदी को हंसी क्यों आई? महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन के मोह निवृत्ति के लिए भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता का उपदेश दिया था। युद्ध समापन के बाद युधिष्ठिर की मोह निवृत्ति के लिए भीष्म पितामह से उपदेश करवाया, जिसे विषम गीता कहते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर भाई बंधुओं की मृत्यु से बहुत दुखी थे। कहीं प्रजा में विरोध ना हो जाए, इस भय से डरे हुए थे। धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुरुक्षेत्र में जहां भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े थे, वहां गए। उनके साथ सभी पांडव, श्रेष्ठ ऋषि और भगवान श्री कृष्ण भी थे। सभी ने पितामह को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए स्वर्ग से देवगण भी पधारे। भीष्म पितामह ने सभी का यथोचित सत्कार किया, भगवान कृष्ण की पूजा की, धर्म पुत्रों को देखा। उनकी आंखें प्रेम से आंसुओं से भर गई। कहा, पांडवों, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते रहने के बाद भी कुछ लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, चक्रधारी कृष्ण, इन सब के रहते हुए भी इतनी विपत्ति। यह चक्रधारी कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, किसी को नहीं मालूम। युधिष्ठिर, अब तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो। इस श्री कृष्ण को, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई समझते हो, सारथी बनाने में भी संकोच नहीं किया। वे स्वयं परमात्मा हैं। भगवान दास और किंकर बनने के लिए भी तैयार हैं। भक्तमाल में कथा अंतर्यामी और धर्मनिष्ठ सेठ की एक कथा आती है, जहां भगवान ने उस सेठ के प्रेम के वशीभूत होकर किंकर अर्थात नौकर बनकर काम किया था। भगवान नौकर बनने के लिए भी तैयार है, बस कोई बनाने वाला चाहिए। तुम लोगों के प्रेम के अधीन होकर भगवान ने अर्जुन के रथ हांकने में भी कोई संकोच नहीं किया। इस प्रकार कहते हुए भीष्म ने श्री कृष्ण की ओर इशारा किया और कहा, मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, अब जब तक मैं प्राण न छोड़ूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कृष्ण ने सोचा, अच्छी, इनको तो इच्छा मृत्यु का प्रदान है, पता नहीं किस समय ये प्राण छोड़े। भीष्म ने कहा, मैं लटका हुआ मुंह नहीं देखना चाहता, मैं आपका मुस्कुराता हुआ मुखमंडल देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने अपने चेहरे पर मुस्कान बखेरी। मुस्कान देखते ही भीष्म का हृदय आनंद से भर गया। चुभते हुए बाणों का सारा दर्द गायब हो गया। अब भीष्म ने युधिष्ठिर की ओर इशारा किया, पूछो क्या पूछना चाहते हो। युधिष्ठिर ने शरशय्या पर पड़े भीष्म पितामह से सबके सामने धर्म के संबंध में कई रहस्य पूछे। तत्वों को जानने वाले भीष्म ने धर्म, अधर्म, राग, वैराग्य, दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म की अच्छी तरह से व्याख्या की। इसको भागवत में भीष्म गीता कहते हैं। भीष्म गीता का प्रवचन कर ही रहे थे कि वहाँ मौजूद द्रौपदी को हंसी आ गई। सबके सामने इस तरह कुलवधू का हंसना किसी को अच्छा नहीं लगा। भीष्म ने पूछ दिया, तुमने इन सभी महानुभवों के सामने इस तरह से हंसकर मर्यादा का उल्लंघन किया है, हंसने का कारण स्पष्ट करो। द्रौपदी ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, पितामह, भरी सभा में दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, उस समय आप भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन कुछ नहीं कहा और आज इस तरह का उत्कृष्ट उपदेश दे रहे हैं। सच क्या है? आपके चरित्र में विरोध आभास देखकर मुझे हंसी आ गई। मेरे इस अपराध को क्षमा करें महाराज। भीष्म का सर लज्जा से नीचे झुक गया। कहा, दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। अब अर्जुन के वाणों से क्षत विक्षत हुए मेरे शरीर से निकली रक्त धारा में मेरी कलुषित बुद्धि भी निकल गई। भगवान का एक सुंदर सा संदेश, दूषित अन्न हमारे तन मन को दूषित कर देता है, हमें बचना चाहिए। भीष्म पितामह धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे तो उत्तरायण का समय आ गया। शास्त्रों में वर्णित है कि उत्तरायण में मृत्यु का फल मोक्ष है, दक्षायण में स्वर्ग का द्वार बंद रहता है और उत्तरायण में खुल जाता है, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। आज कितना अच्छा संयोग है, समय भी उत्तरायण और सामने श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करने वाले भगवान भी तो उत्तरायण है। माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन था, जब अब इससे अधिक शुभ घड़ी कब आएगी। पितामह की इच्छा पूरी हुई एकादशी का दिन था, इसलिए उन्होंने 11 श्लोकों से भगवान की स्तुति की। भगवान की अर्चना पुष्प से करनी चाहिए, इसलिए भीष्म पितामह ने अपने वचनों के सुमन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।